शिवपुरी में रविवार का दिन हादसों से भरा रहा। यहां एक के बाद एक लगातार तीन स्थानों पर तीन मोटरसाइकिलों के हादसों का शिकार हो गई, जिसमें चार बच्चे बुरी तरीके से घायल हुए और इनके साथ ही दो महिला पुरुष भी घायल होना बताया जा रहे हैं, जिन्हें अलग अलग स्थानों से उपचार के लिए शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी घायलों का उपचार जारी है। पहली घटना शिवपुरी के कोलारस थाना के अंतर्गत आने वाले पूरनखेड़ी टोल प्लाजा के पास फोर लेन हाईवे पर हुई, जहां एक अनियंत्रित बोलेरो चालक ने मोटरसाइकिल सवार में टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल चालक सहित उसके दो बच्चे और उसकी पत्नी बुरी तरीके से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस की मदद से शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक नरेंद्र नगर के रहने वाले अनुराग जैन के पुत्र देबू जैन उम्र 14 वर्ष स्कूटी पर सवार होकर पॉलिटेक्निक कॉलेज रोड पर निकला था, जहां सामने से आ रही एक बोलेरो ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें देबू जैन बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।